हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आपको पता है मैं गोल्डन सीरीज पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ दिया है? अगर आपने सभी लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो मैंने आपको अभी तक क्रिकेट में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट की ट्रॉफीज मिलती हैं या जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज मिलती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब क्रिकेट के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो हॉकी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हॉकी के बारे में आपको एक बात तो ये पता होना चाहिए कि हॉकी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन डील करता है। इसकी बनने की डेट 1924। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कब बना? 1924 में। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कब बना और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? लोसेन स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अब हॉकी में क्या क्या ट्रॉफीज मिलती हैं, पहले तो यहां पे वो लिस्ट ले आता हूं मैं। इसमें मिलता है आगा खान गोल्ड कप, बेटन कप। अच्छा एक बार मैं आपको पीछे ले चलता हूं, एक बताता हूं कुछ। यहां देखिए आप 99% ये याद रखना कि जब भी ट्रॉफी नाम आ जाए, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रॉफी नाम आ जाए तो 99% चांस होगा कि वो क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। जब भी ट्रॉफी नाम आ जाए तो 99% ये होगा कि वो एसोसिएटेड विद क्रिकेट, कुछ को छोड़ के। अगर कप आ जाए तो फिर तो अलग अलग फील्ड में है, मैंने आपको जो बता दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बनने की डेट 1924, हेडक्वार्टर लोसेन स्विट्जरलैंड में है। क्या क्या ट्रॉफी मिलती हैं? आगा खान गोल्ड कप, बेटन कप, और मिलता है ध्यानचंद ट्रॉफी, और मिलता लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, और यहां हॉकी मिलता है मुरगप्पा गोल्ड कप, और मिलता है टॉमी एमआर कप, और मिलता है सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। यानी कि ये कप मिलते हैं किसमें? हॉकी में। तो मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आगा खान गोल्ड कप, फिर पढ़ेंगे, देखो जी, पहले हम मैं बेटन कप पढ़ाता हूं क्योंकि ये सबसे पुराना है, इसलिए बेटन कप पहले पढ़ेंगे। तो बेटन कप आप हेडिंग डालो और लिखो इट इज ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप। एस्टेब्लिश हुआ 1895 में कोलकाता में। तो प्यारे बच्चों इंडिया का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप। एस्टेब्लिश्ड इन 1895 कहां? कोलकाता में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बंगाल हॉकी एसोसिएशन। ज्यादा बातें तो याद बिल्कुल नहीं रखनी, पेपर में सिर्फ ये बात पूछी जाती है कि दिस कप इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट के साथ, बैडमिंटन के साथ या कोई और स्पोर्ट्स। इट हेल्ड एवरी अप्रैल, मोहन बेगन ग्राउंड आता है एक वहां कोलकाता में, वहां पे होता है। तो बेटन कप किस में खेला जाता है जी? हॉकी में। बेटन कप के अलावा मेरे प्यारे बच्चों आगा खान कप, आगा खान कप जो है 1896 में स्टार्ट हुआ मुंबई में। बेटन कप के बाद आगा खान गोल्ड कप या आगा खान कप। अगर कभी पेपर में आए कि क्रिकेट ना ये वाली हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, बेटन कप ऑप्शन में ना हो तो आगा खान कप दूसरा आंसर होगा। बॉम्बे जिम खाना डाउनटाउन मुंबई में होता है, याद नहीं रखना है, सिर्फ आगा खान कप याद रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी।
ये खेला जाता है ताकि हम ओलंपिक्स में अच्छे प्लेयर का सिलेक्ट करके ओलंपिक्स में भेजें। तो स्टार्ट किया जी रंगास्वामी कप, और इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट भी बोलते हैं इसको, रंगास्वामी कप को। इसके बाद रेन फ्रेंक ट्रॉफी, सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी भी इसको बोलते हैं, और ये मिस्टर रेन जी फ्रेंक के नाम पे स्टार्ट किया था, ये हॉकी के प्लेयर थे। सुल्तान अजलन शाह कप, ये जरूरी है, सुल्तान अजलन शाह के नाम पे चला है, ये मलेशियन गवर्नमेंट देती है, क्योंकि सुल्तान अजलन शाह मलेशिया के एक सुल्तान थे, मलेशिया के किंग थे, उनके नाम पे स्टार्ट हुआ सुल्तान अजलन शाह कप। फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी याद रखना है, ध्यानचंद ट्रॉफी विजर्ड ऑफ मैजिशियन या विजर्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोलते हैं इनको ध्यानचंद। मैं बहुत कम टाइम पे स्क्रीन के लिए रखता हूं, अगर जल्दी पढ़ा रहा हूं तो बता दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे है ये, हाँ अब कुछ और भी हॉकी के टूर्नामेंट हैं जो कम इंपॉर्टेंट हैं, स्टेनले कप एसोसिएटेड विद हॉकी, ओबैदुल्ला खान गोल्ड कप एसोसिएटेड विद हॉकी, स्टेनले कप 2 बार आ गया लिख दिया, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम रसूल कौन है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उनमें एक लेडी हैं, उनका नाम है बेगम रसूल, इनके नाम पे स्टार्ट की बेगम रसूल ट्रॉफी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट मुरगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से स्लाइड्स पढ़ी हैं, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे नीचे। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा अभी, आपको ये अच्छे से पता है। मुरगप्पा गोल्ड कप किस में खेला जाता है? ठीक है जी, आगे और क्वेश्चन रखता हूं, वेर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भूटान, नेपाल। एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है। अब यह भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने अच्छे से वीडियोस पढ़ी हैं तो आप आंसर बताएंगे। विद विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पोर्ट्स डू योर एसोसिएट टर्म 16 यार्ड हिट? अब ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बात सुनो, स्पोर्ट से 2 किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1 कप्स और ट्रॉफीज, एक तो कप और ट्रॉफी से क्वेश्चन आता है, नंबर 2 टर्म्स एसोसिएटेड विद, टर्म्स एसोसिएटेड विद ये कोई भी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट। अभी मैं आपको कप एंड ट्रॉफीज पढ़ा रहा हूं, अभी हमने टर्म्स नहीं पढ़ी हैं, तो ये कोई टर्म का क्वेश्चन आ गया तो मैं ये अलग से पूरी सीरीज लाऊंगा फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा। पेनल्टी कॉर्नर, ये भी टर्म आ गया तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ दो। और महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, चलो ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, बताओ ये पोलो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्रिकेट भी पढ़ा दिया, मैं देखता हूं मैंने यहां लिस्ट बनाई है, मैंने आपको क्रिकेट का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट दोनों पढ़ा दिए, हॉकी के टूर्नामेंट भी पढ़ा दिए। अगले एपिसोड में मैं आपको, अगले एपिसोड में हम फुटबॉल पढ़ेंगे, तो सीरीज को देखते जाइएगा, छोटी सीरीज है, शेयर भी करते जाओ, लाइक और कमेंट भी करते जाओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।